हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स एकेडमी। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 9th की न्यू सीरीज़, और उसमें हम अपना फर्स्ट टॉपिक डील करेंगे जो होगा मैटर इन आवर सराउंडिंग, और वो बायोलॉजी के सब्जेक्ट से हमारा फर्स्ट चैप्टर है। तो मैटर इन आवर सराउंडिंग को समझने से पहले, ये पूरे चैप्टर को समझने से पहले, हम इसके जो टर्म हमारा है मैटर, हम उसको समझते हैं। तो मैटर क्या है, क्यों है और कैसे है, ये पता करने से पहले हम अपनी हिस्ट्री में जाएंगे। हमारा जो अर्थ है, जब एग्जिस्टेंस में आया हमारा अर्थ, तो नए नए फिलोसोफर हैं, नए नए साइंटिस्ट इवॉल्व होते गए, आते गए, और उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, अलग अलग डिस्कवरीज़ की, ये देखने के लिए कि हमारा जो अर्थ एग्जिस्ट कर रहा है या हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम ही नहीं, एक छोटा सा छोटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन फ्रॉम अ नेकेड आइज, दैट इज़ ऑल्सो इन अवर एग्जिस्टेंस। तो वो एग्जिस्ट क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स किए, अलग अलग डिस्कवरीज़ की, एक्सप्लोर किया कि क्या है। तो हमारे जो फिलोसोफर हैं, हमारे बुक में भी ये चीज़ दी हुई है कि हमारे फिलोसोफर का कहना था कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ मीन्स ऑल द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू द ह्यूज और जायंट एनिमल और अ प्लांट, ऑल दोज थिंग्स आर मेड अप ऑफ पंच तत्व। And that panch tatva is earth, air, fire, sky and water. ये हमारे फिलोसफर्स का कहना था, फिलोसफर्स का ये कहना था कि जो भी ऑर्गेनिज्म, आदर इट इज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म और इट इज़ नॉन लिविंग, जो भी चीज़ हमारे अर्थ में हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, तो अगर वो एग्जिस्ट करते हैं फिजिकली और केमिकली, तो वो ये पांच चीज़ों से मिलकर बने हुए हैं, दे आर द कंपोजिशन ऑफ दीज फाइव थिंग्स, बट ये फिलोसफर्स का कहना था। अब डिबेट स्टार्ट हुआ साइंटिस्ट के साथ, साइंटिस्ट ने क्या कहा, नहीं ये इससे नहीं बना है, वो और भी छोटी छोटी चीज़ें रही होंगी या और कोई चीज़ रही होगी जिससे हमारा अर्थ बना है, या हमारे अर्थ की जो चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं वो बनी है। तो साइंटिस्ट ने उन चीज़ों को दो बेसिस पे डिवाइड कर दिया। वो बेसिस क्या थी जिन पर उन चीज़ों को डिवाइड किया जो हमारे अर्थ में एग्जिस्ट कर रहे हैं? पहला डिवाइड किया फिजिकल प्रॉपर्टी से, और दूसरा केमिकल प्रॉपर्टी से। वो सारी चीज़ें जो हमारे नॉलेज में, एग्जिस्टेंस में हैं, उन चीज़ों को साइंटिस्ट ने दो बेसिस पे डिवाइड कर दिया। और वो बेसिस क्या थे, एक फिज़िकल प्रॉपर्टी था और एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ था। और साइंटिस्ट ने वो हर एक चीज़ को एक कॉमन नाम दे दिया, मैटर। और उन्होंने कहा कि जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, हम छू रहे हैं, या हमें पता है कि वो एग्जिस्ट कर रहा है, वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो मैटर होता है। तो एक बायोलॉजिकल डेफिनेशन उन्होंने क्या दिया, साइंटिस्ट ने क्या दिया, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस इज नोन एज मैटर। उन्होंने कहा कि वो सारी चीज़ें जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही हैं वो मैटर हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अब बहुत सारे बैक्टीरियाज, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में भी हैं, हमारी बॉडी की सरफेस पे हैं, एयर्स में स्कैटर्ड हैं, वो सारे स्मॉल स्मॉल ऑर्गेनिज्म। अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की नहीं बात करते हैं, तो जो स्मॉल स्मॉल डस्ट पार्टिकल हैं, स्मोक्स हैं, वो भी हमारे एयर में स्कैटर्ड हैं, तो वो हम देख तो नहीं सकते। तो देख नहीं सकते तो हम ये नहीं कह सकते कि वो मैटर नहीं है, वो है मैटर, बट वो हमें दिख नहीं रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज। तो उन्होंने कहा कि मैटर इज़ एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, और साइंटिस्ट ने उन चीज़ों को, उन चीज़ों का मतलब मैटर से है, उस मैटर को उन्होंने किस बेसिस पे डिवाइड किया, दो चीज़ों पे, एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, एक केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। हमारे बुक, साइंस के बुक में अलग अलग चैप्टर्स दिए हुए हैं सीरीज़ बाई सीरीज़, तो उसके अकॉर्डिंग केमिकल प्रॉपर्टीज़ को हम फर्दर चैप्टर में डील करेंगे। आज हम फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ फिज़िकल प्रॉपर्टी से डील करेंगे कि मैटर के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ का अलग अलग स्टेट्स में क्या इफ़ेक्ट आता है।
So, while dealing with the physical property of matter, property of matter, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर देखने से पहले हम उसके स्टेट्स की बात करेंगे. तो हमारा जो मैटर होता है फिजिकली, वो तीन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, तीन स्टेट्स में पाया जाता है. वो स्टेट कौन कौन से हैं? सॉलिड, लिक्विड, गैस. अब हम इन्हीं स्टेट्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे. ये तो वो स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स में मैटर एग्जिस्ट करता है. मैटर किन किन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है? लिक्विड स्टेट में, सॉरी सॉलिड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में और गैसेस फॉर्म में. तो ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? अलग अलग प्रॉपर्टीज़, जैसे इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो ये सारी चीज़ें जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं उनसे हम डील करेंगे. तो फर्स्ट प्रॉपर्टी होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले होता क्या है? तो अभी मैंने कहा कि मैटर वो चीज़ होती है जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है. स्पेस ऑक्यूपाई कर रही होगी मतलब उसका एक डेफिनेट शेप रहा होगा, और डेफिनेट शेप नहीं भी रहा होगा तो भी एक माइन्यूट ऑर्गेनिज्म होगा या माइन्यूट पार्टिकल होगा तो वो एग्जिस्ट कर रहा होगा. वो एग्जिस्ट कर रहा है तो वो एक स्पेस तो ऑक्यूपाई कर रहा है, ये पूरा सराउंडिंग, लेकिन इतना स्पेस तो वो ऑक्यूपाई कर रहा है. अभी छोटे छोटे ये, अब ये मैटर के अंदर, इस मैटर के अंदर की बात कर रहे हैं कि छोटे छोटे ऐसे भी कंपोनेंट्स होंगे जिससे मिलकर वो मैटर बना होगा. स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स से मिलकर ही तो वो मैटर बना होगा. तो उन कंपोनेंट के बीच में, उन कंपोनेंट के बीच में ऐसा तो है नहीं कि हम ऐसे किसी चीज़ को इकट्ठा करके रख दो और कहते कि ये मैटर है. हाँ वो मैटर होगा लेकिन हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन चैप्टर के अकॉर्डिंग या हमारे टॉपिक के अकॉर्डिंग क्या है कि एक प्रॉपर हम अगर कोई भी मैटर ले लें, आइदर सॉलिड, लिक्विड और गैस, अभी हम सिर्फ मैटर लेंगे बिना किसी स्टेट का, तो ये मैटर या ये सब्सटेंस जो भी होगा वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा. तो ये स्मॉल स्मॉल पार्टिकल्स यहाँ पर क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं? सिर्फ यहीं पर क्यों एग्जिस्ट, ये बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं? इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि इन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स लग रहा है. उस फोर्स को हम कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से वो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास हैं. तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब हम बात करेंगे सॉलिड की. सॉलिड में क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगा. हम इसको एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं जो हमारे बुक में भी दिया हुआ है. तो हमारे बुक में क्या दिया हुआ है कि एक सर्कल बनाते हैं, जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं तो एक छोटा सा सर्कल बनाते हैं और हम उनसे कहते हैं कि अपने हाथ को एल्बो से ज्वाइंट करके रखो, मतलब एक दूसरे को इस तरह से होल्ड करो कि आपका एल्बो क्रॉस करे एक दूसरे से. अब जब एल्बो आपका क्रॉस करेगा तो आप, वो सर्किल क्या होगा? बहुत ही सॉलिड सर्किल होगी, मतलब बहुत छोटा होगा और बहुत ही कॉम्पैक्ट होगा वो सर्किल. अब मैं बाहर से एक एक्सटर्नल बच्चे को कहूँगी कि अब इस सर्किल को तुम ब्रेक कर दो. कुछ बच्चे ऐसे राउंड बना के ऐसे खड़े हैं और मैं उनसे कह रही हूँ कि वो एक दूसरे को होल्ड करके रखे, कैसे? एल्बो क्रॉस करके. एल्बो क्रॉस करके जब वो एक दूसरे को होल्ड करेंगे और बाहर से एक बच्चा दौड़ता हुआ जाएगा इस सर्किल को ब्रेक करने के लिए, तो कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा. क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को एल्बो के थ्रू पकड़ के रखा है. जब एल्बो के थ्रू पकड़ के रखा है तो उनके बीच का फोर्स बहुत ज़्यादा है और इसकी वजह से जो एक्सटर्नल एजेंट होगा या बाहर का बच्चा होगा वो इनको तोड़ नहीं पाएगा, इन दोनों को अलग नहीं कर पाएगा. जो बच्चे एक दूसरे को पकड़ के खड़े हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं हो पाएंगे. दूसरा देखो, अब एल्बो से नहीं, हाथ पकड़ के खड़ा होना है. अब जब हाथ पकड़ के एक सर्कल बनाओगे, अब मैं कहूँ कि एक बच्चे को दौड़ से दौड़ के जाओ और इस सर्कल को तोड़ दो, तो वो दौड़ कर आएगा, सर्कल को तोड़ेगा, थोड़ा सा फोर्स लगाएगा बट वो सर्कल टूट जाएगा, बच्चे अलग हो जाएंगे. अब दूसरा मैं क्या करूँगी, बच्चों को कहूँगी सर्कल बनाओ, हाथ मत पकड़ो, तो वो हाथ नहीं पकड़ेंगे, वो बस ऐसे सर्कल बना के खड़े रहेंगे. अब मैं कहूँगी कि अब तुम दौड़ के जाओ और सर्कल को ब्रेक कर दो, तो वो ईजिली दौड़ कर आएगा. जो बच्चा यहाँ खड़ा होगा, यहाँ खड़ा होगा, इसको धक्का देगा यहाँ जाएगा, इसको धक्का देगा ये यहाँ जाएगा, ऐसे जो भी इसके सामने आएगा वो ऐसे ही दूर दूर हो जाएगा.
ये सर्कल क्या था? वो अलग अलग स्टेट्स था, किसका? मैटर का। जब बच्चे एल्बो के थ्रू एल्बो को क्रॉस करके होल्ड करके खड़े थे तो वो कौन सा स्टेट था? सॉलिड था। कैसे? क्योंकि उसमें जो फोर्स दो पार्टिकल्स के बीच में लग रहा था, दो स्टूडेंट जो दो बच्चे थे वो फोर्स लगाए थे, वो बहुत ज़्यादा था एज़ कम्पेयर टू द हैंड होल्डेड और फर्मली स्टैंडर्ड। बट वो बच्चे जब एल्बो क्रॉस करके खड़े थे तो फोर्स वहाँ बहुत ज़्यादा था। इसी तरह क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक सॉलिड में, एक मैटर अगर कोई भी ले लो सॉलिड सा, तो उसके बीच में या उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो फर्मली अटैच रहेंगे, एक दूसरे को पकड़ के रखेंगे। तो इससे क्या होगा, ये हम इसको ब्रेक नहीं कर पाएंगे, और अगर ब्रेक करना भी होगा तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या फोर्स लगाना होगा? एक्सटर्नल एजेंट की यहाँ बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है। तो इन दोनों में क्या होगा, सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, सबसे ज़्यादा। लिक्विड की बात करूँ, बच्चे हाथ पकड़ के खड़े थे, जैसे ही एक बच्चा दौड़ कर गया वो सर्कल टूट गई, बच्चे अलग हो गए। ये क्या था? लिक्विड का फॉर्म था, स्लाइटली लेस फ्रॉम सॉलिड। क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लिक्विड सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना लग रहा था, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अब लिक्विड में कम हो गया है। अब क्या हो रहा है, जो लिक्विड फॉर्म में जो मैटर है या जो भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी सब्सटेंस है, वो अगर लिक्विड फॉर्म में है तो उसके बीच में या उसके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो एग्जिस्ट कर रहा है, अट्रैक्शन ऑफ फोर्स है, बट वो सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत कम है, वो कम है। गैस की बात करें तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते भी हैं तो बहुत कम होते हैं, या तो नहीं ही होते हैं, डजेंट एग्जिस्ट और ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तो वो ना के बराबर है, या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता ही नहीं है। किसमें? गैस में। क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये बात की मैंने, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, किसके बीच में? जो माइन्यूट कॉन्स्टिट्यूएंट थे एक मैटर का, एक सब्सटेंस का, उसके बीच की। अब दूसरा प्रॉपर्टी हम देखेंगे इंटरपार्टिकल स्पेस की। अब हम देखेंगे इंटरपार्टिकल स्पेस की अगर हम बात करें तो अभी मैंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताया, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में क्या था कि कुछ बच्चे एल्बो क्रॉस करके होल्ड करके खड़े थे, इनके बीच में स्पेस देखो बहुत कम है। अगर कुछ बच्चे होल्ड करेंगे एल्बो के थ्रू जब वो होल्ड कर रहे हैं तो इनके बीच का स्पेस क्या है? बहुत कम है। सारे जितने भी कंसिस्टेंट बच्चे हैं, जितने भी, वो उनके बीच का स्पेस क्या है? बहुत कम है। तो ऐसे ही हमारे सॉलिड में होगा। सॉलिड में क्या होगा कि एक कोई सब्सटेंस होगा सॉलिड फॉर्म में, तो वो क्या करेगा, उनके बीच का जो स्पेस होगा, क्यों? अच्छा, ऐसा क्यों होगा स्पेस? क्यों? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है तो पार्टिकल पास है। अगर पार्टिकल ऐसे पास रहेंगे, इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इनके बीच का स्पेस क्या होगा? बहुत कम होगा। ये जो स्पेस है, ये खाली स्पेस बीच में आ रहा है, इनके बीच का स्पेस क्या है? बहुत कम है। इंटर पार्टिकल स्पेस जो है वो बहुत कम होता है या नहीं होता है? वेरी लेस होता है या होता ही नहीं है? लिक्विड, जैसे कि मैंने दूसरी बार बताया कि कुछ बच्चे ऐसे खड़े हैं सिर्फ फोल्ड करके, एज कंपेयर टू दिस फिगर दिस इज हैविंग मोर स्पेस। दो बच्चों के बीच में कितना स्पेस आ रहा है? बहुत है। इसके कंपैरिजन में वहाँ स्पेस काफ़ी है। क्यों है? क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसके कंपैरिजन में वहाँ लो है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? कम है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब कम होगा तो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे, जैसे वहाँ पर बच्चे दूर हो रहे हैं, तो जब दूर होंगे तो पार्टिकल ऐसे हो जाएंगे। ये हमारा सॉलिड था, ये गैस की बात हो रही है। तो गैस में क्या हो रहा है, ये पार्टिकल्स दूर दूर हैं। क्यों दूर दूर हैं? क्योंकि इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है।
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम की वजह से ये पास पास नहीं हो रहे हैं, तो इनके बीच का जो इंटर पार्टिकल स्पेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब गैस की बात करें तो गैस में क्या होगा, सॉरी ये लिक्विड है, गैस की बात करें तो बच्चे क्या थे, बिना होल्ड किए ही खड़े थे, जो सर्कल बना रहे थे वो बिना होल्ड किए ही दूर दूर खड़े हो गए थे। बच्चों में बहुत स्पेस है, क्यों है, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब नहीं है तो पार्टिकल दूर दूर हैं, और जब पार्टिकल दूर दूर हैं तो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या है, बहुत ज़्यादा है। तो इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम कहाँ पर है, इस गैस में है, और इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा कम किस में है, गैस में है। दैट मीन्स दैट इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस उतना कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हुआ, स्पेस कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ, स्पेस ज़्यादा होता जाएगा। अच्छा, ये दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ थी किसकी, सॉलिड लिक्विड गैस की, जो ये डिसाइड कर रही थी कि कोई भी पर्टिकुलर मैटर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। जिस भी मैटर का या जिस भी सब्सटेंस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा होगा, वो सॉलिड होगा, थोड़ा सा कम हुआ तो वो लिक्विड फॉर्म में है ही नहीं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं है तो वो गैसियस फॉर्म में है। अच्छा, इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्पेस की वजह से और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं सॉलिड और गैस की, तो जैसे कि वहाँ पर सारे पार्टिकल्स जो थे बिना किसी स्पेस के या बहुत ही छोटे, बहुत ही कम स्पेस के, इंटर पार्टिकल स्पेस के, वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे थे। पार्टिकल्स जो थे ऐसे ऐसे हैं, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, और इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम। तो इसे क्या समझ आ रहा है कि कैन नॉट बी इजिली ब्रेक अवे, कैन नॉट बी इजिली ब्रोकन डाउन। इनके पार्टिकल्स को दूर नहीं किया जा सकता है, तो इन्हें सिंपल लैंग्वेज में कह लो कि इन्हें ब्रेक नहीं किया जा सकता। लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में क्या था, पार्टिकल्स ऐसे ऐसे थे, एंड लिक्विड पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। फ्लूइड की जो प्रॉपर्टी होती है वही लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड की क्या, फ्लूइड की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो सारी चीज़ें जो फ्लो करती हों, जिसके पास फ्लो करने की एबिलिटी हो, कैपेसिटी, उसे हम क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। चाहे वो एयर फ्लो कर रहा हो या पानी फ्लो कर रहा हो या कोई भी तरह का लिक्विड। तो लिक्विड क्या है, लिक्विड एक फ्लूइड है जो फ्लो करता है। तो अगर कंसिडर करो कि एक सैंड है, ठीक है, एक ह्यूज अमाउंट ऑफ सैंड रखा हुआ है, उसमें हम अपना हाथ डालते हैं तो हमें हाथ डालने में भी फोर्स लगेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगेगा ना हाथ डालने में। अब उस हाथ डाल के हम उसको हाथ हिलाने की कोशिश करेंगे तो होगा क्या, हाथ मूव नहीं करेगा, और मूव भी करेगा तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम लिक्विड की बात करें, इसीलिए देखिए फोर्स लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने यहाँ कहा कि कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन ईजिली। लिक्विड की बात करें, अगर एक लिक्विड रखा है उसमें अपना हाथ डालते हैं तो ना हाथ डालने में हमें एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है, ना हाथ को मूव करने में एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत है। मतलब क्या हुआ कि इसके पार्टिकल ईजिली अपने आप ही दूर दूर हो जाएंगे जैसे ही कोई सब्सटेंस इनके बीच में आएगा या एक्सटर्नल कोई एजेंट आता है। तो ये क्या होगा, पार्टिकल्स कैन बी ड्राइवन अवे ईजिली बाई एक्सटर्नल फोर्स। और इसके पार्टिकल्स इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो ऑलरेडी दूर दूर है, तो इनके पार्टिकल्स को दूर करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसे छोड़ देते हैं। दूसरी चीज़, डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप की, सॉलिड के पास एक डेफिनेट शेप होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके पार्टिकल्स पास पास हैं, इन्हें इजिली ब्रेक नहीं किया जा सकता। जब इजिली वो ब्रेक नहीं हो रहा है, पार्टिकल पास पास हैं,
उनके इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत कम है या है ही नहीं, तो वो क्या होगा, एक डेफिनेट शेप होगा, उस शेप को हम ऑल्टर नहीं कर सकते, हम उन्हें चेंज नहीं कर सकते, और अगर चेंज करना होगा तो हमें बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल एजेंट ले आना पड़ेगा, एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये क्या है, इसके पास डेफिनेट शेप होता है, ये अपने शेप को नहीं बदलता है। सॉलिड लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को भी मैंने बताया कि उसके पास फ्लूइड की प्रॉपर्टी होती है, फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। तो शेप होगा किसका, ऑक्यूपाइज द शेप ऑफ कंटेनर। ऑक्यूपाइज द शेप ऑफ कंटेनर, जिस भी एक हम कंटेनर लेते हैं तो जिस भी कंटेनर में वो लिक्विड है उसी कंटेनर को शेप ले लेगा। जैसे एक स्फेरिकल कंटेनर लेते हैं, एक स्फेरिकल बाउल हम अगर ऐसे ले लेते हैं, स्फेरिकल बोल है ये, इसमें अगर इसमें भी 100 ml वाटर है। अब इसी कंटेनर से एक वाटर मैंने एक सिलेंड्रिकल कंटेनर में डाल दिया, तो अभी क्या था, अभी इस लिक्विड का शेप स्फेरिकल था। क्यों था, क्योंकि ये एक स्फेरिकल कंटेनर में था। अब जैसे ही मैंने इस 100 ml वाटर को इस कंटेनर में डाला, सिलेंड्रिकल कंटेनर में, तो इसमें भी 100 ml वाटर होगा। दूसरा, अब वाटर का शेप क्या हो गया, सिलेंड्रिकल हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि अब इसका कंटेनर जिसमें ये लिक्विड कंटेन्ड है वो क्या है, सिलेंड्रिकल है। तो लिक्विड क्या करता है, ऑक्यूपाइज द शेप ऑफ कंटेनर, इसका नो डेफिनेट शेप, नो डेफिनेट शेप। वॉल्यूम की बात करते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट, द सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दैट इज वॉल्यूम, इट हैज डेफिनेट वॉल्यूम। कोई भी सब्सटेंस अगर उसके पास एक प्रॉपर शेप है, उसका एक मैटर हैव मास, कोई मैटर होगा उसका एक छोटा साइज है लेकिन उसके पास एक मास होगा, वो मास होगा। तो अगर उसके पास मास है और इसका एक डेफिनेट शेप है तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम भी होगा। तो इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम होगा, क्यों, क्योंकि वो प्रॉपर शेप में है, जो सॉलिड है वो प्रॉपर शेप में है, उसको हम कहीं भी उठा के रख सकते हैं, ले सकते हैं, उसके शेप को हम ऑल्टर नहीं कर सकते। तो वो अगर प्रॉपर शेप में है तो उस शेप का एक वॉल्यूम होगा, वो स्पेस में अपना एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा होगा। लिक्विड की बात करें तो अभी अभी मैंने बताया कि वो उस शेप को ले लेता है, उस शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है जिस शेप में वो, जिस कंटेनर में वो रहता है, बट उसका भी वॉल्यूम क्या रहता है, डेफिनेट रहता है। लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट रहता है भले शेप डेफिनेट ना हो, वो डेफिनेट शेप नहीं होता है क्योंकि वो कंटेनर का शेप ले लेता है। बट वॉल्यूम की अगर मैं बात करूँ तो सॉलिड की पहले हम बात करते हैं। सॉलिड एक है, मान लो सिंपली ले लो कि अगर 100 ग्राम शुगर है तो बाद में भी 100 ग्राम शुगर रहेगा, कंटेनर से मतलब नहीं है उसको हम ऐसे छोड़ दें या किसी कंटेनर में रखें, बट 100 ग्राम शुगर विल बी 100 ग्राम। वॉल्यूम की यहाँ बात हो रही है। अब इसकी बात करें तो शेप भले ही चेंज हो रहा है, लिक्विड का शेप चेंज हो रहा है, बट इस कंटेनर में अगर 100 ml ऑफ वाटर है तो इस कंटेनर को हम अगर इसमें डाल दें, सॉरी कंटेनर को नहीं, लिक्विड को इस कंटेनर से इसमें डालेंगे तो इसमें भी क्या होगा, 100 ml ही वाटर होगा। तो वॉल्यूम चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इससे शेप से मतलब नहीं है, सॉलिड था उसका अपना शेप था, सॉलिड का क्या था, उसका अपना शेप था, तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वॉल्यूम थी। बट यहाँ लिक्विड क्या कर रहा है, वो कंटेनर का शेप ले रहा है, बट कंटेनर के शेप से भी मतलब नहीं है, उससे अमाउंट से मतलब है, क्वांटिटी से मतलब है। इसलिए इस क्वांटिटी, जितना भी क्वांटिटी का लिक्विड इसके अंदर कंटेंट होगा, अगर हम इसको डालेंगे इसमें तो भी वॉल्यूम उसका फिक्स रहेगा, 100 ml यहाँ था तो 100 ml वहाँ भी रहेगा, तो लिक्विड का वॉल्यूम फिक्स रहता है। गैस की बात करते हैं, मान लो छोटा सा परफ्यूम की डिब्बी है, छोटी सी, या अगरबत्ती ले लो, ठीक है, तो उसको अगर हम इस एक जगह पे या किसी कोई एरोमा वाली चीज़ हो उसको हम किसी डिब्बे में बंद किए हुए हैं, बॉक्स में, अब अचानक से हम उसको खोल दें तो क्या होगा, अभी तक वो गैस एक डिब्बी में बंद थी, ठीक है, एक, और मान लो कि उस गैस का हम एक क्वांटिटी भी ले लेते हैं, वॉल्यूम भी ले लेते हैं, चलो मान लो तो 100 ग्राम इसको भी ले लिया, इस गैस को 100 ग्राम इसकी क्वांटिटी है, एक डिब्बी में वो कंटेंट है, वो गैस एरोमा है उसके अंदर। अब उसको हम खोल रहे हैं,
उसको खोलते ही वो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होंगे, गैस के पार्टिकल्स, जो मैटर गैसेस फॉर्म में है, उसका पार्टिकल अब क्या करेगा, वो धीरे धीरे डिफ्यूज़ होगा कहाँ पर, एयर में। अब आगे की क्लास में, हायर क्लास में पढ़ोगे या हायर चैप्टर में, मे बी इट इज़ गिवन इन योर बुक, कि डिफ्यूजन एक प्रोसेस होता है जो कंसनट्रेशन टू कंसनट्रेशन डिपेंड करता है। कोई भी सब्सटेंस जो गैशेज फॉर्म में, स्पेशली गैशेज फॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे, वो क्या होता है, एक पर्टिकुलर गैस डिफ्यूज़ करता है अपने हाई कंसनट्रेशन टू लो कंसनट्रेशन। तो ऐसे ही अगर हम वो डिब्बी खोल रहे हैं तो वो गैस वहाँ पे हाई कंसनट्रेटेड है, और एयर में हमारे एक स्पेस ले लो रूम का, वहाँ पे वो गैस तो है नहीं, तो धीरे 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 क्या होगा, पूरे रूम में फैल जाएगा। अब उसका वॉल्यूम क्या है, पहले वो उसका उस गैस का वॉल्यूम 100 ग्राम था, अब उस गैस का वॉल्यूम क्या होगा, वही होगा जो उस रूम का वॉल्यूम होगा, जो रूम का वॉल्यूम होगा विल डिफाइन द वॉल्यूम ऑफ गैस। यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि गैस का जो वॉल्यूम है वो भी किस पे डिपेंड कर रहा है, एटमॉस्फेयर पे डिपेंड कर रहा है। अगर वो रूम में स्कैटर्ड हो गया तो अब उस गैस का वॉल्यूम चेंज हो गया, तो गैस के पास उसका अपना डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं रहता। अभी तक वो 100 ग्राम था, अब उसका वॉल्यूम चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, रूम के अकॉर्डिंग चेंज हुआ, क्योंकि वो डिफ्यूज़ कर गया, तो इसके पास डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। उस प्रॉपर्टी में हमने देखा इंटर मॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फिर हमने देखा इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और इंटर पार्टिकल स्पेसेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर, फिर हमने देखा डेफिनेट शेप, अदर इट इज़ हैविंग अ डेफिनेट शेप और नॉट, फिर हमने डेफिनेट वॉल्यूम की बात की कि वॉल्यूम कैसा है। अब हम ये देखेंगे कि क्या एक प्रॉपर जो स्टेट ऑफ मैटर है, अदर इट इज़ सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्या वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। हाँ हो सकता है। कैसे हो सकता है, इससे पहले जब मैंने बीच में एक्सप्लेन हो रहा था, जब मैंने किया था, उस वक्त मैंने बताया था कि कोई भी सॉलिड टूट सकता है। मैंने अभी बताया था यहाँ पर कि कोई भी सॉलिड को तोड़ा जा सकता है, उनके पार्टिकल्स को दूर किया जा सकता है या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक किया जा सकता है, बट उसके लिए एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होगी। वो एक्सटर्नल एजेंट क्या होता है वो हम आगे देखते हैं। मैटर का जो सब्सटेंस है वो सॉलिड में है या फिर लिक्विड में है या फिर गैस में है, क्या वो अपना फॉर्म चेंज करेगा। हाँ करेगा। कैसे करेगा, एक्सटर्नल एजेंट की ज़रूरत होगी। तो मान लो ये सॉलिड है, ये हो गया सॉलिड, क्या है इसमें इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी बहुत ज़्यादा है और स्पेस कम है, डेफिनेट शेप भी है इसका। अगर हम इसको हीट देना स्टार्ट करें, क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और ये है क्या, सॉलिड। हीट देते वक्त होगा क्या, देखो अभी हमें जब पहले जब एग्जांपल बताया था हमने आपको बच्चों वाला, ठीक है, ये बच्चे थे, ये बच्चे से खड़े थे एल्बो क्रॉस करके, ये बच्चे से खड़े थे एल्बो क्रॉस करके, ठीक है, मैंने बताया था ये, और मैंने ये भी बताया था कि एक बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है, एक बच्चा दौड़ता हुआ आ रहा है और इन्हें दूर दूर करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे ही सर्किल है और इन बच्चों को वो अलग करने की कोशिश कर रहा है। एक बच्चा दौड़ कर रहा है, नहीं कर पाया, अब मैं क्या करूँगी कि दो बच्चों को दौड़ाऊँगी, कहूँगी कि दो बच्चे अब दौड़ो, तो दो बच्चे दौड़ेंगे, तो अब क्या हुआ, पहले जो फोर्स लग रहा था उससे ज़्यादा फोर्स अब लग रहा है, अभी भी नहीं टूटा, फिर और बच्चे दौड़ा दूँगी। अल्टीमेटली मैं करूँगी क्या कि इस सर्किल में जितने बच्चे हैं, मान लो इस सर्किल में 20 बच्चे हैं, तो मैं 20 बच्चों को बाहर से दौड़ा दूँगी। जैसे ही बाहर से दौड़ाऊँगी तो हर एक बच्चे पर फोर्स लगा रहा होगा। अब क्या हो रहा है, हर एक बच्चा फोर्स लगा रहा है। अल्टीमेटली धीरे धीरे क्या होगा, इनका हाथ अब एल्बो भी क्रॉस हो रहा था, अब धीरे धीरे ये एल्बो छूट कर ये हाथ पकड़ने लगेंगे, ऐसा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये ब्रेक नहीं करेंगे, अभी वो इस फोर्स को रेजिस्ट करने की कोशिश करेंगे, पूरी कोशिश ये रहेगी उनकी कि इसको अभी दूर भगा दें। तो अभी एल्बो ज्वाइन था, तो अब एल्बो से छोड़ के वो हाथ पकड़ने की कोशिश करेंगे, मतलब क्या हो रहा है कि इनका इस बीच का जो स्पेस है अब वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि बाहर से जो बच्चे आ रहे हैं वो इनको धक्का दे रहे हैं, इन्हें दूर दूर करने की कोशिश कर रहे हैं, इन पर फोर्स लगा रहे हैं अपना। अब धीरे धीरे जब ये हाथ पकड़ रहे हैं, अल्टीमेटली जैसे जैसे बच्चे इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, धीरे धीरे अब एक बच्चे ये बच्चा कमज़ोर पड़ गया, ये इसने हाथ छोड़ दिया,
ठीक है छोड़ दिया, ये बच्चा कमज़ोर पड़ गया, इसने हाथ छोड़ दिया। तो अल्टीमेटली हो क्या रहा है यहाँ पर, दो बच्चों के बीच में बहुत ज़्यादा जो फोर्स लग रहा था अब वो फोर्स नेग्लेजिबल हो गया। तो जहाँ फोर्स ज़्यादा लग रहा था वो स्टेट क्या था, हमारा सॉलिड था। और ये जो बच्चे दौड़ रहे हैं यहाँ पर, ये जो फोर्स लगा रहे हैं वो हमारा क्या है, हीट है। ये हीट हम दे रहे हैं और इस हीट की वजह से इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, कमज़ोर हो रहा है, जिसकी वजह से अब ये जो पास पास अटैच्ड थे, कॉन्टैक्ट में थे, अब वो दूर दूर हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं, ऐसे हो रहे हैं। अब ये अभी पार्टिकल क्या होने लगे, दूर दूर होने लगे और इनके पार्टिकल स्पेस ज़्यादा होने लगा। और जैसे जैसे ये पार्टिकल दूर होने लगे, ये प्रॉपर्टी है किसकी, लिक्विड की। लिक्विड में क्या प्रॉपर्टी थी, ये वाली प्रॉपर्टी थी कि इनके बीच का जो फोर्स है वो एज कम्पेयर टू सॉलिड कम होगा और इनका इंटर पार्टिकल स्पेस एज कम्पेयर टू सॉलिड ज़्यादा होगा। तो ये लिक्विड में चेंज हो गया, कैसे चेंज हुआ, हीट से। यहाँ पर हीट दिया जा रहा है और हीट की वजह से ये पार्टिकल्स कमज़ोर हो गए, इनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट के कम हो गया और कम होने की वजह से ये पार्टिकल अब दूर हो गए, बच्चे अब दूर हो गए। अल्टीमेटली क्या होगा, जब बच्चे खूब सारे दौड़ने लगेंगे, हर एक बच्चा हर एक पार्टिकल फोर्स लगा रहा होगा, हर एक बच्चे पर फोर्स लगा रहा होगा, तो ये हाथ अब छूटने लगेगा। धीरे धीरे हर बच्चा एक दूसरे का हाथ छोड़ देगा और जैसे ही ये हाथ छोड़ेगा, ये प्रॉपर्टी आएगी किसकी, गैस की। ये ऐसे हवा हो जाएगा, ये बच्चे अब दूर दूर हो जाएंगे, ये बच्चे अब दूर दूर हो रहे हैं। और ये प्रॉपर्टी है किसकी, गैस की। अभी भी जो बच्चे दौड़ रहे थे वो है क्या, हमारा हीट है। आई वाज समझ में, हीट ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी जब हम इस सब्सटेंस को दे रहे हैं, जो सब्सटेंस सॉलिड फॉर्म में है, तो इसका जो पार्टिकल है, इसका जो पार्टिकल है वो इस एनर्जी का यूज़ कर रहा है, ये वो इस एनर्जी का यूज़ कर रहा है अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए। बट इस एनर्जी का फोर्स इसके फोर्स से ज़्यादा है, इसकी वजह से ये इसके बॉन्ड को ब्रेक करते जा रहा है। और जैसे जैसे ये ब्रेक कर रहा है, ये बॉन्ड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे जैसे कम हो रहा है, ये पार्टिकल दूर दूर हो रहे हैं। जैसे दूर हो रहे हैं, ये अपना फेस बदल रहा है। तो फेस बदलने का मतलब क्या है, यहाँ पे पार्टिकल जैसे जैसे उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, स्पेस ज़्यादा हो रहा है, वैसे वैसे वो अपना फेस चेंज कर रहा है, अपना स्टेट चेंज कर रहा है। हीट हमने सॉलिड को दिया तो लिक्विड में चेंज हो गया, फिर हमने लिक्विड को भी हीट दिया, फॉर्म ऑफ एनर्जी है, उससे हमें एनर्जी दी है, तो गैस में चेंज हुआ। अब हम क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, अब हम इन्हें बिना डिस्टर्ब किए छोड़ दे रहे हैं। और डिस्टर्ब ना भी करें तो हम अब एक ऐसा एटमॉस्फेयर देंगे कूल, जहाँ पे कूल हो जाए। ये गैस फॉर्म में था, अब हम इसको टेम्परेचर थोड़ा सा लो कर देंगे, जो हीट हम दे रहे थे रूम टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम इनका टेम्परेचर डाउन कर देते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज्ड। अब जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो क्या होगा, इनकी प्रॉपर्टीज़ है, स्टार्टिंग प्रॉपर्टीज़ की क्या थी, सॉलिड फॉर्म में था ये, इनिशियली कहाँ पे था, सॉलिड फॉर्म में था। इसकी प्रॉपर्टी है क्या, पास पास रहने की, मतलब इसके जो पार्टिकल्स हैं इनका ये टेंडेंसी है कि वो एक दूसरे से जुड़ कर रहेंगे। वो दूर दूर क्यों हुए, क्योंकि हमने इन्हें हीट दे दिया। वो बच्चे जो खेल रहे थे सर्कल बना के, कि उनकी टेंडेंसी थी कि वो सर्कल वाला ही गेम खेलेंगे, बट बाहर से कुछ बच्चे आके उन्हें डिस्टर्ब करने लगे तो वो दूर दूर हो गए। अब मैंने क्या किया, बच्चों को मना कर दिया कि बच्चे इनको डिस्टर्ब नहीं करो, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो फिर से अपना गेम स्टार्ट करेंगे, फिर से वो पास पास आने लगेंगे। तो ऐसे ही जब टेम्परेचर डिक्रीज़ हो गया, हीट देना हमने बंद कर दिया, टेम्परेचर ऑलरेडी डिक्रीज़ हो गया। अब जैसे हमने हीट, तो इसका इनिशियल प्रॉपर्टी क्या था, पास पास रहने की। ये पार्टिकल चाहते थे कि हम पास पास रहें। टेम्परेचर जैसे ही कम हुआ, हीट हमने जैसे ही देना बंद कर दिया, अब ये क्या करेंगे, पास पास आने लगेंगे फिर से। अब ये जो दूर दूर थे, अब ये पास पास आ रहे हैं, धीरे धीरे पास आ रहे हैं। और जैसे ही पास आ रहे हैं, ये पूरा जो सब्सटेंस है, ये क्या प्रॉपर्टी पोजेस करता है, लिक्विडिटी का। ये लिक्विड हो गया, क्यों लिक्विड हो गया, क्योंकि
पार्टिकल्स की टेंडेंसी, वो इनिशियली वो सॉलिड स्टेट का पार्टिकल था, उसकी टेंडेंसी थी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ज़्यादा करके अपने आप को पास पास रखने की। जैसे ही हमने हीट देना बंद कर दिया, टेम्परेचर डिक्रीज हुआ, वो वापस से जो पार्टिकल दूर दूर थे वो पास आ गए, पास आते ही वो लिक्विड में चेंज हो गया। और जैसे ही लिक्विड में चेंज हुआ, फिर हमने अभी हीट नहीं दिया है इसे, टेम्परेचर अभी भी डिक्रीज है, तो इनिशियली वापस किस में आ जाएगा? सॉलिड फॉर्म में। तो क्या देखा हमने यहाँ पे? जब हमने किसी सॉलिड स्टेट के सब्सटेंस को हीट दिया तो उनके पार्टिकल्स दूर दूर होने लगे, उनके बॉन्ड टूटने लगे, और दूर दूर जैसे पार्टिकल होने लगे, वो पूरा का पूरा सब्सटेंस कौन सी प्रॉपर्टी पोजेस करने लगा? लिक्विड की प्रॉपर्टी, लिक्विड की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और जैसे ही लिक्विड की प्रॉपर्टी पोजेस करने लगा, हमने अभी भी कंटिन्यू किया हुआ है हीट को देना, और जैसे हीट दिया जा रहा है ये गैसेस फॉर्म में आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि अब पार्टिकल्स और दूर हो रहे हैं, जितना हम हीट दे रहे हैं पार्टिकल्स उतने ही दूर जा रहे हैं, तो यहाँ पे ये गैसेस फॉर्म में चेंज हो गया। जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, जैसे ही हीट देना बंद हो गया, ये वापस से पास आने लगे, पास आते आते फिर ये लिक्विड में गए, और लिक्विड से वो सॉलिड में गए। अब इन प्रोसेस को कहते क्या हैं? सॉलिड टू लिक्विड। तो ये प्रोसेस क्या होगा? सॉलिड टू लिक्विड जो चेंज हो रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग। सॉलिड जब भी, देखो हम अभी ये सॉलिड में था, ये अभी तक सॉलिड में था, हमने हीट दिया, अभी भी सॉलिड में है, बट उस पर इफेक्ट हो रहा है। अब धीरे धीरे इसका जो बॉन्ड है वो कमज़ोर पड़ रहा है, कमज़ोर हो रहा है धीरे धीरे, और अब इसका बॉन्ड धीरे धीरे कमज़ोर होता भी दूर होने लगेगा। तो वो इंस्टेंट या जिस इंस्टेंट पे जो हीट हमने दिया है और ये पार्टिकल दूर दूर हो गए, जो हीट देने पर है जिस टाइम पर, उसको हम कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। हीट देने के प्रोसेस में वो पॉइंट जहाँ पर ये जो सॉलिड फॉर्म का जो पार्टिकल था, जो भी सब्सटेंस था, वो लिक्विड फॉर्म में आ जाए, उसको हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट कहेंगे। वाटर को कंसिडर कर लेते हैं, वाटर एक आइस है, आइस को जब हम हीट करते हैं तो वो वाटर में चेंज हो जाता है। ये आइस है, ये वाटर में चेंज हो गया, क्यों हुआ? क्योंकि हमने हीट दे दिया। वो इंस्टेंट या ये वो पॉइंट जहाँ पर ये आइस वाटर में मेल्ट होना स्टार्ट हो, जहाँ पर मेल्टिंग स्टार्ट हो, उस पॉइंट को हम कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, अभी भी हम इस वाटर को हीट दे रहे हैं, अभी भी इस वाटर को हम हीट दे रहे हैं, तो वाटर को जब हीट दे रहे हो तो यहाँ पर क्या बनेगा? गैस, या कह लो वाटर वेपर, वाटर वेपर बनेगा। जिस इंस्टेंट में, जैसे यहाँ पे हो रहा था कि जिस इंस्टेंट पे एक सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा था, उसको हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। वैसे ही जिस इंस्टेंट पे लिक्विड गैस में चेंज होने लगेगा या वाटर वेपर स्टार्ट होने लगेगा राइज करना, उस पॉइंट को हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। ये जो वाटर है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस फॉर्म में होता है, और इसी 0 डिग्री सेल्सियस पे ही वो मेल्ट भी होगा। जब तक एक पूरा का पूरा आइस, यहीं पे हम एक टॉपिक भी कवर कर लेते हैं, ये आइस है, हम यहाँ हीट दे रहे हैं, हम यहाँ जब हीट दे रहे होंगे इसे, तो अभी तक ये इतना बड़ा आइस था, हमने हीट दिया, थोड़ा सा मेल्ट हुआ, ये वाटर में चेंज हुआ, और अभी भी थोड़ा सा बचा हुआ है। अब फिर हम इसे हीट दे रहे हैं, अभी भी, अब क्या है, थोड़ा सा और ज़्यादा मेल्ट हुआ और थोड़ा सा बचा हुआ है। तो ये क्या हो रहा है? अब कुछ लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे तो मेल्टिंग पॉइंट स्टार्ट हो गया था, ये हमारा मेल्टिंग पॉइंट था, क्योंकि यहीं पे मेल्टिंग होना स्टार्ट हो गया था, तो अभी भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस था। तो कुछ का कन्फ्यूजन ये होगा कि हीट तो हम कॉन्स्टेंटली दे ही रहे हैं, हीट जब कॉन्स्टेंटली दे रहे हैं तो यहाँ पर इसका टेम्परेचर राइज होना चाहिए था। नहीं, राइज तब तक नहीं होगा जब तक कि यहाँ पूरा का पूरा वाटर में चेंज ना हो जाए,
और ये जैसे ही पूरा का पूरा ये वाटर में चेंज हो जाएगा, ऐसे कर लो, ये वाटर में चेंज हो गया, ये जिस इंस्टेंट पे ये वाटर में चेंज हो जाएगा वहाँ पर भी 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तब तक रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा आइस वाटर में चेंज ना हो जाए। जब ये पूरा का पूरा वाटर आइस में चेंज हो जाएगा तब ये अपने टेम्परेचर को राइज करेगा, अब उसका टेम्परेचर अब 0 डिग्री सेल्सियस से राइज होना स्टार्ट होगा। तो हो क्या रहा है, जो हम हीट दे रहे हैं वो हीट क्या हो रहा है, इसको बॉन्ड तोड़ने में लग रहा है। जब बॉन्ड टूट जा रहा है तो जो टूटे हुए बॉन्ड्स हैं, जो टूटे हुए बॉन्ड्स हैं या पार्टिकल जो टूटे हुए हैं वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, और बाकी यहाँ पे अभी भी तो बॉन्डेड पार्टिकल्स हैं जो जुड़े हुए हैं, तो बाकी का एनर्जी कहाँ जा रहा है, इसको तोड़ने में। तो एनर्जी अभी भी यूटिलाइज हो रही है, ऐसा नहीं है ये भी इसके साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर राइज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी भी एनर्जी ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो तब तक यहाँ टेम्परेचर राइज नहीं होगा जब तक कि पूरा का पूरा वाटर में चेंज ना हो जाए। और इस हीट को हम कहते क्या हैं, हिडन लैटेंट, हिडन लैटेंट, या कह लो हिडन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये फॉर्म ऑफ एनर्जी को कॉमन लैंग्वेज में या साइंस के लैंग्वेज में लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है क्या, 1 kg ऑफ आइस को वाटर में या लिक्विड फॉर्म में चेंज करने के लिए जिस अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, वो क्या होगा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक बात और याद रखना, 0 डिग्री सेल्सियस इसका भी टेम्परेचर है, 0 डिग्री सेल्सियस इसका भी टेम्परेचर है, बट अगर एनर्जी की बात करें तो इसका एनर्जी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बात हो रही है लेकिन टेम्परेचर किसका ज़्यादा होगा, इसका ज़्यादा होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो एनर्जी हम दे रहे थे वो हमें दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर हम एक नॉर्मल वाटर को रूम टेम्परेचर में हीट करेंगे तो उस वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, बट यहाँ पर ये 0 डिग्री सेल्सियस है। जो हीट हम दे रहे हैं वो छिपा हुआ हीट है, इसीलिए हमने कहा हिडन लैटेंट, वो छिपा हुआ हीट है जो अभी तक टेम्परेचर को राइज नहीं होने दिया है। तो यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन इस यहाँ के पार्टिकल्स ने उस एनर्जी को एब्जॉर्ब तो किया है, ये ऑलरेडी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में यहाँ पे थे, ऑलरेडी इनके पास अपनी कोई एनर्जी रही होगी, भले ही वो छोटी रही होगी, एक्सटर्नल एनर्जी अब इसके पास आ गया है और हीट देते गए तब ये यहाँ पर इस फॉर्म में आया है। तो एक ही टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी है और वाटर भी है, तो एनर्जी वाटर की ज़्यादा होगी, आइस ही कम होगी। यही कंडीशन को हम गैसेस फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं। अब एक वाटर है, उसे हीट देके हमें गैस बनाना है, तो गैस बनाना है वो अब स्टार्ट हो रहा है वाटर, ये वाटर फॉर्म है। अब इसका अमाउंट वाटर का कम हो गया और कुछ वेपर्स उठने लगे, फिर यहाँ पर ऐसे हुआ, फिर यहाँ पे वेपर सब ज़्यादा हो गया, वाटर कम हो गया, अल्टीमेटली पूरा का पूरा वेपर बन गया। यहाँ पर वाटर जिस पॉइंट पे बॉयल्स करना स्टार्ट हो उसको हम क्या कह रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट कह रहे थे, या जिस पॉइंट पे स्टीम राइज करना स्टार्ट हो उस वो बॉइलिंग पॉइंट था। और वाटर बॉयल कब करता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, ये इनिशियल स्टेज था, यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस इसको मिल गया, हीट मिला, ये हीट है, तो हीट मैंने दिया तो इस वाटर के पास टेम्परेचर अब कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे वेपर राइज करना स्टार्ट कर दिया है, इसके पास भी 100 डिग्री सेल्सियस है और इस वेपर के पास भी 100 डिग्री सेल्सियस ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि हीट देना तो अभी भी कंटिन्यू है, यहाँ पर भी हम हीट दे रहे हैं, तो ये वाला हीट क्या करेगा, ये वाला हीट यहाँ पर लगेगा, ये भी एब्जॉर्ब करेंगे इस हीट को, ये एब्जॉर्ब करेंगे इस हीट को रेजिस्ट करने के लिए कि ये फेस चेंज ना हो, लेकिन ये हीट इस फेस को चेंज करेगा, ये जो फोर्स लगाएंगे इसको रेजिस्ट करने के लिए वो बहुत ही कम होगा या ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होगा एज़ कम्पेयर टू दिस हीट या दिस फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो क्या हो गया यहाँ पर, ये
टूटेगा, यहाँ पर ये टूट रहा है, फिर और हीट दे रहे हैं तो और जो बचा हुआ था वो टूट गया। तो अभी तक यहाँ पर जो हीट दे रहे थे वो दिखा गया कहीं पर? इस पर कोई इफेक्ट दिखा? नहीं दिखा। तो ये हमारा हिडन लैटेंट था, और इस लैटेंट को हम कहते हैं, या इस अमाउंट ऑफ हीट को कहते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, अब ऐसे समझो कि एक केजी वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए, जितने अमाउंट की ज़रूरत होती है, 1 kg ऑफ वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए, वाटर वेपर में, वो क्या हो गया? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, उसे हम लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। सेकेंड थिंग, हमने दो चीज़ देखा, क्या देखा? एक मेल्टिंग देखा, एक बॉइलिंग देखा, जहाँ पर एक प्रॉपर एक सॉलिड स्टेट था वो लिक्विड में जा रहा था, फिर हम और हीट दे रहे थे तो वो लिक्विड से सॉलिड में चेंज हो रहा था। बट कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जिन्हें लिक्विड फॉर्म की ज़रूरत नहीं होती है, वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाते हैं? गैसेस फॉर्म में। उस प्रोसेस को जहाँ पर सब्सटेंस लिक्विड स्टेट को स्किप करके डायरेक्टली गैसेस फॉर्म में जाता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। एक कैम्फर है, ठीक है, एक सॉलिड कैम्फर है, इसे सॉलिड, ये जो यहाँ पे लिक्विड होना था इस कैम्फर को, लेकिन ये लिक्विड नहीं होगा, डायरेक्टली क्या होगा? गैसेस फॉर्म में होगा। ये ऐसे कैम्फर, ये इसमें चेंज हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? सब्लिमेशन कहेंगे। और इसके एग्जांपल्स होते हैं कैम्फर, नाफ्थलीन बॉल, एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो ये था हमारा प्रोसेस जब एक सब्सटेंस अपने किसी पर्टिकुलर स्टेट से किसी और स्टेट में ट्रांसफ़र हो रहा है, या अपनी एनर्जी, किसी एनर्जी को लेकर वो अपने स्टेट को चेंज कर रहा है। और टेम्परेचर की जब हम बात कर रहे थे, तो जो मेडिकल टर्म है, जो डॉक्टर्स जो टेम्परेचर यूज़ करते हैं, वो हमेशा फ़ारेनहाइट में होता है। एक्चुअली 3 स्केल्स को हम लेके चलते हैं, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन। ये टेम्परेचर को रीड करने के 3 स्केल्स होते हैं, और जो डॉक्टर्स स्पेशली जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, वो ये फ़ारेनहाइट स्केल होता है। ये अक्सर सुना होगा ना, फीवर होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं 104 डिग्री बुखार था। अरे मैंने बताया वो सेंटीग्रेड में नहीं होता है, 100 डिग्री पे वाटर बॉयल कर रहा है, 100 डिग्री पे वाटर बॉयल करता है। तो क्या हमारा बॉडी बॉयल कर रहा है क्या? नहीं करेगा, वो फ़ारेनहाइट बताते हैं। अब फ़ारेनहाइट का एक रिलेशन होता है, वो आप हायर क्लास में पढ़ोगे। सेंटीग्रेड और केल्विन की अगर हम बात करें, तो 0 डिग्री सेल्सियस, अगर कॉमन लैंग्वेज में जो हमारे टेम्परेचर हम रीड करते हैं वो केल्विन में ही लेते हैं, साइंस के टर्म में। तो अगर 0 डिग्री सेल्सियस हम कह रहे हैं, तो उसका मतलब 273 डिग्री केल्विन होता है। रिलेशन देख लेते हैं इसका, सेल्सियस प्लस 273 विल बी इक्वल टू द डिग्री ऑफ केल्विन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन द स्केल ऑफ सेंटीग्रेड एंड द केल्विन ऑफ द टेम्परेचर। तो जो भी डॉक्टर्स जो रीड करते हैं, हमेशा कभी भी कंफ्यूज नहीं होता, वो फ़ारेनहाइट का स्केल होता है। सेंटीग्रेड कॉमन लैंग्वेज में या बहुत ही रेयर केस में यूज़ किया जाता है, या कॉमनली यूज़ कर लिया जाता है, बट साइंस के टर्म में हमेशा हम एक केल्विन लेते हैं। तो अब अगर बात करें, आपके क्वेश्चन में आता हूँ कि कौन सी डिग्री पे, इन द फॉर्म ऑफ केल्विन, केल्विन में कौन सी डिग्री पे हमारा वाटर आइस में होता है, तो हमेशा 273 डिग्री होगा। तो बॉयल किस पर कर रहा है? 373 पे। कैसे? 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल कर रहा था, प्लस 273, दैट विल बी इक्वल टू 373, ठीक है। तो इस ये फ़ारेनहाइट जो है वो मेडिकल टर्म है, ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे। सेल्सियस और केल्विन की बात है, तो सेंटीग्रेड और केल्विन में ये रिलेशन होता है, ये आप लोग मेमोराइज कर लो। और इसी पे आपके जो छोटे छोटे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड होते हैं। थर्ड थिंग इज कॉम्प्रेशन। गैसेस की बात हो रही थी, गैस में बच्चों की बात हम लोग कर रहे थे ना, कि सर्कल बना के बच्चे दूर दूर हो गए, तो वो गैसेस फॉर्म में आ गए। अब कह रहे हैं कि अब वो गैसेस फॉर्म का ही है, कोई भी सब्सटेंस है वो गैसेस फॉर्म में ही, इनिशियली वो गैसेस फॉर्म में है। तो अगर वो इनिशियली गैसेस फॉर्म में है, तो उसकी प्रॉपर्टी होगी कि दूर दूर रहने की, लेकिन हम चाहते हैं कि इसको हम पास पास करें,
हम चाहते हैं कि इसको पकड़ के हमें पास पास करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे बच्चे होते हैं ग्राउंड में खेल रहे होते हैं, हम उन्हें कितना भी शोर मचा लो कि मत खेलो मत खेलो, लेकिन फिर भी वो खेलते रहते हैं, तो अचानक क्या होता है, हम कंप्लेंट करते हैं, प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आता है और प्रिंसिपल को देखते ही सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे एक लाइन बनाते हैं और क्लास में चले जाते हैं। ऐसी वो प्रिंसिपल क्या है, वो प्रिंसिपल एक एक्सटर्नल एजेंट है जिसको साइंस के टर्म में हम प्रेशर कहते हैं। तो ये पार्टिकल्स जिनका नेचर था दूर दूर रहने का, हमेशा भागने की, या बिल्कुल एक नोटोरियस नेचर था जिनका दूर दूर रहने का, अब भागने की, अब वो अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर वो क्या हो रहा है, कॉम्प्रेस हो जा रहा है। अब ये अभी तक ये दूर दूर पूरा फैला हुआ था, पूरी स्पेस में फैला हुआ था, जैसे ही हमने एक एक्सटर्नल प्रेशर दिया तो ये क्या हो गया, कॉम्प्रेस हो गया। कहाँ पर, एक प्रॉपर किसी का, मान लो किसी कंटेनर की हम बात कर रहे हैं, एक गैस है, जैसे अभी अभी मैंने बात की ना एरोमा की, एरोमा कैसे मैंने खोल दिया तो वो डिफ्यूज़ हो गया पूरे एयर में। अब मैं ये कह रही हूँ कि इस ये पूरा जो एयर है इसको हमें एक पाइप में भरना है या एक कंटेनर में इसको लेना है, तो क्या किया जाएगा, इस रूम पर एक्सटर्नली एक प्रेशर लगाया जाएगा, और एक तरफ से जैसे ये रूम है, ये रूम है, अब मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर एक पाइप है, इस कंटेनर में इसको भरना है। अब इस रूम का सारा एयर मेरे को क्या चाहिए, इस कंटेनर में चाहिए, स्टोर चाहिए इस कंटेनर में, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से हम एक प्रेशर लगा देंगे, यहाँ से आप प्रेशर लगाएंगे तो ये पार्टिकल्स क्या होने लगेंगे, धीरे धीरे पास होने लगेंगे, हम और प्रेशर लगाएंगे तो ये और पास होने लगेंगे। अभी पास पास तो है लेकिन अभी भी इनका नेचर क्या है, दूर दूर जाने का, तो अभी जहाँ जहाँ स्पेस पाएंगे वहाँ वहाँ एंटर करेंगे, तो अंडर प्रेशर वो इसमें एंटर करते जाएंगे और यहाँ पे प्रेशर कंटिन्यूसली लग रहा है, तो ये पार्टिकल अल्टीमेटली क्या होंगे, यहाँ के सारे पार्टिकल्स स्केप करके इसमें आ जाएंगे, और जैसे इसमें आएंगे हम यहाँ पे कोई कॉर्क टाइट लगा के इसको ब्लॉक कर देंगे। तो अब क्या हुआ, ये पूरा का पूरा गैस कॉम्प्रेस हो गया एक पर्टिकुलर कंटेनर में। हम जो भी LPG जो हमारा गैस होता है, हम जो घर में यूज़ करते हैं, वो लिक्विफाइड गैस होता है, लिक्विफाइड मतलब वो कंडेंस्ड रहता है, कंडेंस्ड फॉर्म में रहता है, क्यों रहता है, क्योंकि उसे प्रेशर देके कंडेंस किया जाता है, प्रेशर दिया जाता है वो कंडेंस हो जाता है, और फिर बाकी सारे उसको, बाकी सारे एक्सटर्नल मटेरियल मिलाकर उसे लिक्विफाई कर दिया जाता है उस गैस को, ताकि वो एक कंटेनर में प्रॉपरली स्टोर रहे। अब ऐसी ये गैस एयर में है, तो क्या हम इसे, ऐसा हो सकता है क्या कि हम इस यहाँ केयर को पकड़ के अपने घर लेके जाएं, ऐसा कर सकते हो, बट हॉस्पिटल्स में देखा होगा आपने, एक पेशेंट है, एक पेशेंट ऐसे सो रहा है और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस लगा रहता है, ये एक सिलेंडर रहता है, ऐसे करके एक सिलेंडर लगा रहता है, यहाँ पे ऐसे सो रहा होता है। अब हम तो ये नहीं कह सकते नहीं इतनी दूर का एयर मेरा है, लेकिन ये कह सकता है कि इसमें जो एयर है वो सिर्फ मेरा है, क्यों कह सकता है, क्योंकि यहाँ पर कंटेनर एक फिक्स्ड वॉल्यूम में है और वो एक कंटेनर में स्टोर्ड है, तो उसे पता है कि हमें इतना ऑक्सीजन तो लेना ही लेना है। तो कहने का मतलब ये है कि इसका इफेक्ट क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, कि प्रेशर अप्लाई करके हम गैसेस फॉर्म के किसी पार्टिकल को कंप्रेस करके, कंडेंस करके, लिक्विफाई करके या कंप्रेस करके किसी भी कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, और इजीली हम उसको यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। हम यहाँ के हवा को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है इस तरह से प्रेशराइज करके, कंप्रेस नेचुरल गैस, CNG गैस जिसको हम कहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में ये नेचुरल गैस बहुत चलता है, ये फ्यूल का काम करता है, ये भी एक कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस होता है जिसमें गैस को कॉम्प्रेस किया जाता है, और किस फॉर्म में यूज़ किया जाता है, फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। तो ये सारे हमारे एडवांटेज थे किसके, प्रेशर के, कि प्रेशर का इफेक्ट गैसेस फॉर्म पे क्या होता है। जो हमारा लास्ट टॉपिक है हमारे साइंस का या हमारे चैप्टर का, वो हमारा है इवेपोरेशन। अभी मैंने बताया हीट के इफेक्ट में जो सब्सटेंस होता है या मैटर ऑफ सब्सटेंस जो होता है वो अपना फेज जो होता है चेंज करता है। तो इवेपोरेशन जो ये वॉल्यूम था, यहाँ वाटर था, यहाँ हम हीट दे रहे थे, यहाँ वेपर बन रहा था, बट यहाँ क्या था, यहाँ पे बहुत इंस्टेंट हम थोड़े से समय मतलब विद इन टू आवर, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा, इतने में हम इसको इतना अमाउंट हीट दे दिए कि वो वेपर दिखने लगा, मतलब वो बॉयल करने लगा और वेपर उठने लगा, वो वेपर हम देख सकते हैं। बट इसी बॉयलिंग का एक फेनोमेना होता है जिसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। ये इवेपोरेशन भी यही फेनोमेना होता है, बट
उसमें अमाउंट ऑफ हीट बहुत कम होता है और टाइम स्पैन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। सिंपली जो एक फिज़िकल फेनोमेना जो हम अक्सर देखते हैं वो है वाटर लाइफ साइकिल। वाटर साइकिल में क्या होता है कि वाटर साइकिल होता है, वाटर साइकिल हम पिछली 5th क्लासेस में ही हम लोग पढ़े होंगे कि ये एक सी है, ये एक सन है। जब बहुत ही एक्सट्रीम समर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है। अब ये टेम्परेचर जब इंक्रीज़ हो रहा होगा तो ये जो वाटर है इसके बॉन्ड टूट रहे होंगे, बॉन्ड टूट रहे होंगे तो कुछ पार्टिकल्स इसके इवेपोरेट हो रहे होंगे। मैंने बताया ना, ऐसा तो हो नहीं सकता कि इकट्ठा सारा पानी इवेपोरेट हो जाए। ऐसा हुआ है क्या कि हम घर में पानी बॉयल कर रहे हैं और एक बैग पूरा पानी गायब हो जाए? नहीं, पानी का अमाउंट कम होते 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 पानी गायब होता है। तो यही फेनोमेना इस सी में हो रहा होगा या इस रिवर में हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? ये वाटर वेपर्स कुछ ऐसे ऊपर जा रहे होंगे। तो ऊपर कहाँ जा रहे होंगे? ऊपर भी वो एक्यूमुलेट हो रहे होंगे। और ऊपर एक्यूमुलेट, जब यहाँ पर हीट का इफेक्ट इतना है तो सोचो ऊपर कितना होगा। तो ऊपर के इफेक्ट से ये वेपर्स और भी दूर दूर हो रहे होंगे। और जैसे ही ये समर या हीट का जो इफेक्ट होगा वो कम होने लगेगा, जैसे ही वो कम होने लगेगा, अभी ये बल्की फॉर्म में एक क्लाउड बनाएंगे, ठीक है, ये वेपर राइज करेंगे और एटमोसफियर के कुछ लेवल पर, अर्थ के लेवल से कुछ लेवल पर जाके ये एक बल्की फॉर्म बनाते हैं, क्लाउड बनाते हैं। और इस ये क्लाउड जैसे ही इसका टेम्परेचर कम होगा, मैंने बताया था कि जो लिक्विड स्टेट में है उसका इनिशियल प्रॉपर्टी या टेंडेंसी यही होगा कि वो पास पास रहे। तो इस पार्टिकल जो ये दूर दूर हो गया, इसकी टेंडेंसी क्या है कि पास रहे, बहुत पास ना रहे लेकिन पास में रहे। तो ये चाहेगा कि अब हम पास पास हों। जैसे ही ये हीट का इफेक्ट कम होने लगेगा, या दूसरा चीज़ ये बहुत हैवी होने लगेगा कि ये बल्कि मटेरियल अब अपने आप को सह नहीं पा रहा है, ये कवर नहीं कर पा रहा अपने आप को, तो ये फिर कंडेंस होके रेन के फॉर्म में जाता है, रेन के फॉर्म में वापस अर्थ पे आता है, होता है। तो ये होता है हमारा वाटर साइकिल, ये हमारा वाटर साइकिल जो हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। तो इवेपोरेशन भी क्या है? एक पानी है, हम अपने घर में ही देखते होंगे कि जब भी पानी गिरा होता है सरफेस पे, अगर हम उसे छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए छोड़ दें तो पानी गायब हो जाता है। गायब होता कैसे है? यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी गिरा हुआ है, ऐसे रोज पानी गिरा हुआ है, ठीक है, ये पानी से गिरा हुआ है। अब यहाँ पे फैन चल रहा है, फैन चल रहा है तो हो क्या रहा है, यहाँ के जो गैसेस हैं इस फैन की वजह से रैंडम मोशन कर रहे हैं। मोशन जब होता है या कोई बॉडी जब मूव करती है तो उसके पास एक एनर्जी होती है, उसके पास एक एनर्जी निकल रही होती है या रिलीज हो रही होती है, वो एनर्जी हीट के फॉर्म में होती है, वो एनर्जी हीट के फॉर्म में होती है। और यही हीट इसको मिल रहा है, थोड़ी अमाउंट में मगर मिल रहा है। अब ये हीट क्या करेगा, इसके बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे क्या होगा, ये बॉन्ड टूटने लगेगा और जैसे ही टूटने लगेगा ये इवेपोरेट करने लगेगा, ठीक है। तो अभी तक देखो क्या था, ये हीट था, ये वाटर इस हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था। जब तक ये वाटर एब्जॉर्ब कर रहा था तब तक ये वेपर हो रहा था, वेपर जा रहा था। हीट का एब्जॉर्ब कौन कर रहा था? वाटर कर रहा था। अगर पूरा का पूरा वाटर वेपर ऊपर चला जाए, अभी सरफेस पर कोई वाटर नहीं है, हीट तो है, हीट क्या है, ये गैसेस में है, इस हीट को ये वाटर कंडक्ट कर रहा था, वाटर ले रहा था। अब यहाँ पे कोई वाटर ही नहीं है, वाटर नहीं है तो यहाँ पे हीट नहीं होगा, हीट नहीं होगा तो क्या नहीं होगा, यहाँ पे हॉट नहीं होगा, यहाँ पे कूलिंग हो जाएगा, यहाँ पे कूल सरफेस आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो हीट को कंडक्ट कर रहा था या हीट को एब्जॉर्ब हो रहा था वो हमारा वाटर था। जब पूरा का पूरा वाटर वेपर में चेंज होके उड़ गया है, इवेपोरेट हो गया है पूरा का पानी जो सरफेस पे था, तो ये सरफेस क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। जैसे अक्सर देखो ना, पसीना जब हमें होता है तो हल्की सी हवा चलती है तो बहुत ठंडा लगता है, वो क्यों लगता है? वो हमारा सरफेस कूल हो रहा होता है क्योंकि इवेपोरेट हो रहा है हमारा जो स्वेट है। और जैसे वो इवेपोरेट हो रहा है तो वो ये जो सरफेस है इस पर जो एनर्जी होगी उसको भी एब्जॉर्ब करके उड़ेगा, जो हमारी बॉडी का सरफेस है उसको भी एब्जॉर्ब करके उड़ेगा। अक्सर जो फीमेल्स होती हैं नेल रिमूवर यूज़ करती हैं, उसको एसीटोन कहते हैं, वो जो केमिकल होता है वो एसीटोन होता है। कभी लगा के देखना नेल्स पे, जब भी लगाओगे तो स्किन पे ठंडा ठंडा फील होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये बहुत जल्दी बहुत तेज़ी से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ये सरफेस पर जैसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ये एब्जॉर्ब करके उड़ गया तो उस जगह पे क्या हो गया, हमें ठंडा फील हो रहा है। तो ये हमारा था एक फिज़िकल प्रॉपर्टी मैटर की। तो आगे की क्लास में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी से डील करेंगे, मगर आज हमने फिज़िकल प्रॉपर्टी से डील किया।
और यह हमारा था मैटर इन सराउंडिंग्स। आगे हम केमिकल प्रॉपर्टी से जब डील करेंगे तो अलग अलग बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे और उनके क्या मैकेनिज्म होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।